रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हमारे हैं और उसके बावजूद सभी इंडिपेंडेंट वो भी अभी हमारे साथ में है। मुझे लगता है 170 के ऊपर ये संख्या जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 5 साल स्थिर सरकार देंगे। अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के वहाँ के विधायक दल के प्रमुख है और इसलिए वो नेता है। उन्होंने पूरे सभी आमदारों के विधायकों के साइन का लेटर राज्यपाल जी को सौंपा है। इसका मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ में है। लोअर टेस्ट कब होगा? अभी उसके बारे में राज्यपाल अभी बताएंगे। अभी मुझे इतना पता है कि यहाँ पे स्पष्ट बहुमत अभी भाजपा अजीत दादा पवार ने एनसीपी और इंडिपेंडेंट मिलके बहुत स्पष्ट बहुमत 145 स्पष्ट मतलब बहुमत के लिए लगते हैं मेजोरिटी के लिए। मैं आपको कहूंगा कि ये फिगर 170 के ऊपर जाएगा। पर्दे के पीछे पवार साहब का समर्थन आपको है क्या? पर्दे के पीछे की वो मुझे पता नहीं है कि बहुत वरिष्ठ लेवल पे बात हुई है, दिल्ली से बात चली है, इसलिए मुझे मैं बताना आज कठिन है कि किसका मुख्यमंत्री पद जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए 5 साल के लिए 2.5 साल के लिए। अभी मैंने वही कहा कि वरिष्ठ लेवल पे ये बातें हुई है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी 5 साल के लिए देवेंद्र जी यहाँ मुलाकात हुई। बहुत दिनों से आप लोग एनसीपी और खास करके अजीत पवार को क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि इनकी जगह जो है वो आर्थर रोड जेल में है, तो अचानक कैबिनेट मिनिस्ट्री में कैसे बैठेगी कैबिनेट मीटिंग में? देखो भाई, ये तो शिवसेना भी कहती थी। बाला साहब जी ने क्या क्या भाषण किए, उद्धव जी ने क्या क्या भाषण किए, सभी सभी आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी और पवार साहब की जो बातचीत हुई उसमें किसानों के सवालों पर तो बातचीत हुई, लेकिन उसी में शायद नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार जी को पता होगा कि भाई आपकी आपकी पार्टी की भी एनडीए के लिए जरूरी है। अगर शिवसेना बाहर जा रही है एनडीए से तो महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी हमारे साथ आनी चाहिए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार साहब से बात की होगी। ये चर्चा आपकी चलने दो और अचानक ऐसा धक्का लगा हो कि पूरा देश एकदम चक्कर में आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि निर्णय बहुत अच्छा हुआ है।